हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो देखने जा रहे हैं वेडिंग विदाउट इनविटेशन, तो चलिए वाह करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। गाइस, मेरे पीछे है ताज, एक 5 स्टार होटल। और इस होटल के अंदर हो रही है एक बहुत ही ग्रैंड लग्जूरियस वेडिंग, और मैं जाने वाली हूँ इस शादी में, वो भी बिना किसी इनविटेशन के। और इसमें जाने से पहले मैं अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए गई कुछ नॉर्मल शादियों में। तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ अपनी पहली वेडिंग क्रैश करने। धक 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 हो रही है, पकड़ी ना जाऊँ, मुझे बर्तन मारने से बॉर्डर लगता है भाई। ये गिफ्ट जो पैक करा रखा है डब्बे में कुछ भी नहीं है गाइस। मेरे अंदर इतना डर है। मेन गेट से एंट्री भी नहीं ले रही हूँ, ये ना पीछे वाला पार्किंग वाला गेट है, यहाँ से जा रही हूँ स्नेक करके। और इन शादियों में जाकर मेरा गोल ये रहेगा कि मैं खाना खा सकूं और दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट देके उनको ये बता सकूं कि मैं उनकी शादी में बिना इनविटेशन के आई हूं। ये सही है भाई। दूल्हा दुल्हन का नाम क्या है? ओए तो बेबी है, ये भी नहीं पता हमें। पकड़ी गई ना तो मैं तो बोल दूंगी भाई, मैं तो मुआ हूँ, पार्लर वाली दीदी। कुछ अच्छा सा बहाना सोच ले अपने लिए। कैमरा लाना भूल गया मैं। अब भाई वो कौन सी धारा लगती है? मैंने सुना था धारा वारा आ गई है, शादी करने वालों को धारा लग जाती है, 2 साल की जेल है। ये पहले नहीं बता सकते थे? छोटी मोटी चीज सही, पर कुछ तो खा के जाऊं भाई। इधर तो नहीं जा रही, इधर तो बहुत सारे अंकल हैं। खाने ही हो टिक्की है ना? कहाँ घूम रहा है यार भाई? मेरी बहुत ज्यादा टाइट हो रही है, इसकी हालत टाइट हो रही है। और मेरा सोचो, जो ये कंटेंट बना रही है और जो बहुत सारी वेडिंग क्रैश करेगी, मेरी हिम्मत के लिए ना चैनल सब्सक्राइब कर दो, 2 मिलियन कराओ। टिक्की खा ले ले। खा लिया तो पकड़ा गया तो बोलेंगे तूने खाया क्यों, इसलिए बोल दूंगा मैंने खाया नहीं, चाहे मेरा पेट फाड़ के देख लो। जूते तो बिना खाए भी पड़ने हैं, खा के भी पड़ने हैं, कम से कम खा कर तो पड़े। मैं दूल्हे के जूते चुराऊंगा। अभी तक यहाँ सारे जितने भी लोग हैं सब लड़की की साइड वाले हैं, तो ये हमें सोचते हैं दूल्हे की साइड से हैं, पर पहले आके बैठ गए। पर अभी जब थोड़ी देर में दूल्हे वाले भी आ जाएंगे बना लेके, तो अब असली कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं काकू भाई ऑनलाइन देखा है, पर कहाँ देखा है ये नहीं पता। वीडियो बनाती है इंस्टाग्राम पे। हाँ, बिजनेस के बारे में बताते हैं वो। चौमिन गाय खत्म हो गई क्या? जब तक दूल्हा दुल्हन आते हैं, बाराती आते हैं, तब तक खा पी के सेट हो जाऊं, ताकि मैं अपना टारगेट पूरा करूं और भगल लूं यहाँ से। खाने वाला टारगेट तो पूरा हो रहा है, देखो फ्री का खाना खाने का मजा ही अलग है। बेटा चुप हो जाओ, ये बंदा तुम लोग क्या नाम क्या खबर फैल गई मुझे लगता है। तरुण नागर की शादी है? अरे वाह तरुण नागर, ये लड़की का नाम नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। सब मुझे दूल्हे का छोटा भाई समझ रहे हैं यहाँ पे, मुझे समझ रहे हैं दुल्हन की छोटी बहन। मैं तेरा जीजा लगा भाई। जीजू 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 लो जी। और मैं जा रही हूँ लड़की वाले घर से वेलकम करने दूल्हे का। आप बहुत सुंदर लग रही हो, रोली पड़ रही है। शादी मुझे भी सिखाओ ना। गंजा गंजा है सारे, गंजा गंजा है सारे, गंजा गंजा है सारे। अरे वो तो पीपल है, पीपल पैसे भी। बहुत लेट शादी है यार, सब कुछ इतना लेट हो रहा है ना यार। एक काम कर, तू जाके अनाउंस कर दे कि भाई व्यवस्था बहुत ढीली पड़ रही है, लेट क्यों कर रहे हो, मुझे अपना ब्लॉग बनाना, तो जल्दी जल्दी शादी करो, है ना? भूत बना देंगे, मैं तो अमीर लग रही, मेरी कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों जो पीछे मेरे साथ आए ना, ये लग रहे गरीब।
पच्चा तुला क्या है? किसी को कुछ मत बताना, किसी को कुछ भी मत बताना। वो वांटेड वाला मत। ये भाई अपना सही है। अच्छा मुझे ना आपको ये बोलना था, आपको पता मैं आपकी शादी में ना बिना इनविटेशन के आई, बट इनविटेशन मतलब मैंने खाना नहीं खाया। बस शर्म है कुछ। कांग्रेचुलेशंस भाई, एंबैरेसिंग तो है, बट क्या दिया। पर आप देखना ये कि क्या मैं एक 5-स्टार वेडिंग क्रैश कर पाऊंगी या नहीं। और यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ अपनी अगली शादी में जाने के लिए। और भाई साहब फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि विंटर्स में भी मेरी स्किन ग्लो कर रही है, बिकॉज दिस विंटर मैं यूज कर रही हूँ मामाअर्थ विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। ये विटामिन सी की गुडनेस के साथ आता है और बहुत लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी है। मेरी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के साथ साथ नेचुरली विंटर ग्लो भी देता है। और कंसिस्टेंट ग्लो के लिए मैं इसके साथ 5% विटामिन सी डेली ग्लो फेस सीरम भी यूज करती हूँ। मैं इन्हें डेली सुबह और रात को यूज करती हूँ। आप ही अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरा कूपन कोड NISST2023 यूज कर लेना तो आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा। और मामाअर्थ की सबसे अच्छी बात, जब भी आप इनसे कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो ये आपके ऑर्डर को एक वेबसाइट से लिंक करके एक ट्री लगाते हैं। और इनका एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज लगाना। और मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आप सभी कॉम लाइक अमेजोन नाइका फ्लिपकार्ट के साथ साथ आपके नियर बाई स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। तो कहीं भी आपको दिखे कॉमेंट करके जरूर बताना। अब चले अपना ग्लोई चेहरा लेके अगली शादी में। अनू वेड सचिन राठौर फैमिली ने डिनर होस्ट किया है। किसी ने पहचाना था नहीं हमें, पहचाने की भी कैसे जानते थोड़ी है। वो मेरे से पूछ रही थी कि ब्लॉग कब आएगा, अगर नहीं पकड़ी गई तो जल्दी आएगा। और भाई सबसे ज्यादा एम्बैरेसमेंट तो तब हुई जब मैंने देखा कि जो फूल मैं दूल्हे को देने के लिए लाई थी उन सेम फूलों की तो इन्होंने सजावट कर रखी थी। पर ये जो काम है ना इधर वाले तमन्ना तो भारी भारी सा हो रहा है ना। ऐसे लड़की की शादी होती है तो नहीं होता कि बहन सुबह चली जाएगी। नाम क्या है दीदी का? नहीं आपको भी बताएगा आप बिना बनाया। अच्छा आप किसकी तरफ से आए? कुछ बोला नहीं। अंकल नमस्ते। पहचान नहीं आपको? उधर सोच रहा हूँ कौन ध्यान नहीं आ रहा। आप मेरे को पहचान भी नहीं पाओगे, पता है क्यों? किसी को बताओगे तो नहीं। प्रॉमिस करो, पिंकी प्रॉमिस। किसकी? पिंकी प्रॉमिस करो। पिंकी होता है मतलब पक्का वाला वादा करो, किसी को नहीं बताओगे। अच्छा पक्का वाला। मैं ना बिना बुलाया
मैं बिना बुलाया आया हूँ। लड़की आज अकेला है, कौन बनाया था फिर? मैं तो अकेली आया हूँ। मैं तो पूरी फैमिली लेकर आया हूँ। पर ऐसा हुआ है, मिस्टेक होगी, होगी गलती होगी, गलती से भी मैं जान पूछ के आई हूँ। आप हंसो और फोटो खिंचवाओ। वो चार्ज छाती भी इनका भाई, आज ये फोन कोई सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस भी यहीं आ रखी है, साथ के साथ ले जाएगी। और यहाँ मैं जैसे ही अंदर पहुंची, हमें पता चला कि और गाइस अब टाइम था हमारी 5-star वेडिंग में जाने का। फेस पर इतना फेक कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता ना, जैसे लगता है मेरे खुद के बाप की शादी है। जानती जा रही तैयार होकर उन्हीं के पीछे चल रही थी। ये शादी मुझे बहुत महंगी पड़ जाएगी। और जैसे हम अंदर पहुंचे, हमने देखा कि यहाँ पर तो एक साथ 3 फंक्शन हो रहे हैं, पर हमारे गांव का तो एक ही था। वेलकम टू द वेडिंग ऑफ राघव एंड पल्लवी। राघव और पल्लवी का वेन्यू ढूंढते राघव और पल्लवी जी कहाँ हो? वेलकम टू द वेडिंग ऑफ राघव एंड पल्लवी। मैं किसकी तरफ से? राघव की तरफ से, पल्लवी की तरफ, दोनों तरफ। राघव की तरफ। ये है वो। शादी में गिनती के 50 लोग हैं, अगर पकड़ी गई ना, कैसा भी लग रहा हो, अमीरों की चीज को अच्छा ही बोलना पड़ता है। अमीरों की शादी का एक फायदा तो है, जाकर नहीं खाना पड़ता, खाना खुद चल के तुम्हारे पास आता है। क्या है यार, बार बार एक ही चीज ला रहे हो, कुछ नया लाओ। चीज नान, अच्छा इसको ऐसे खा लूं, नान काफी छोटा नहीं है। ये मीरो का नान है। ओ गए ना। बस 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 नहीं ना, नहीं नहीं। हम लोग पानी पीने के बाद गिलास कहाँ रखते हैं? फिर उन्हें पता कैसे चलेगा कि ये साफ है कि गंदा? नहीं नहीं, अच्छा। और ये भी पलट के रख दूँ तो? एक मिनट रुको, सुनो। नाइस स्माइल। हर जगह लोग मेरे साथ फोटो लेता है, और मैं यहाँ आकर सबके फोटो खींच रही हूँ। मैं इतनी घबराई हुई और मैं फंबल कर रही हूँ। घंटी रखी है बजाने के लिए। आप भाई सही जगह पे। और पतली गली पकड़ के निकल गई। मैं तो निकल गई हूँ यहाँ पे भाई, यहाँ पे बार बार सिक्योरिटी आ रही है और चेक कर रही है।
बहुत कॉन्फिडेंस है यार। बिल्कुल यार, ये कमाल के वीडियो है, लेकिन रिस्क बिल्कुल, लेकिन ये है कि ये काफ़ी उनके लिए ना मुश्किल है। चाहे जो भी आप बोल लें कि एक ऐसे शादी में जाना ना तो पकड़ा जाता है बंदा, लेकिन ये कि जब ड्रेसिंग थोड़ी सी सेम हो और थोड़ा बंदा बन ठन के जाए, मेकअप अच्छा हो, कैमरे वाला भी साथ हो, फिर तो आपसे कभी भी कोई नहीं कुछ पूछेगा। यही एक रीज़न है कि जो तीन शादियां वो घूम ली उन्होंने, लेकिन एक तो वही रॉन्ग ही गई है जिसमें वो बर्थडे पार्टी पर चली गई है। हाँ वो तो एक उनको धोखा हुआ है, लेकिन यार बहुत एक ना एक आप चाहे जितने भी बड़े यूट्यूबर हो, एक कॉन्फिडेंस बहुत एक चाहिए इस खासकर इस चीज़ के लिए। वो पहले जो एक वीडियो उनकी बहुत अच्छी होती थी, वो जो एक एक घर का टूर मतलब के मांगती थी, और वो तो एक दरवाजे से बाहर नहीं मतलब के हटा देते थे कि नहीं चाहिए, या एक वो सही था। लेकिन ये शादी वाला तो भाई बहुत एक आगे एक निकल गया, क्योंकि अब एक शादी में गई हैं और उनको एंड पर बता भी दिया कि मेरे पास इनविटेशन नहीं, मैं तो ऐसे आई हूँ। और ऐसा होता है यार, इधर हमारे एक गांव का लड़का था, वो एक वलीमा खाता था फ्री का। उसने ऐसा करना कि एक सिटी एरिया है उधर, मतलब कि हर दिन ना कोई शादी होती थी और वलीमा भी होता था। तो उसने ना उससे एक दिन हमने पूछा भी था कि ये राज क्या, उन्होंने बोला कपड़े अच्छे होने चाहिए, ड्रेसिंग आपकी, आपको कोई बंदा पूछ भी नहीं सकता, और जाकर ऐसे सलाम ले लेना, हाँ सुनाओ भाई ठीक ठाक, चाहे जो भी आपको मिल जाए, क्योंकि इस फंक्शन वगैरह में इतना ज़्यादा पूछते नहीं लोग, बस मिलते हैं और आगे निकल लेते हैं। तो वो भी सेम टू सेम ऐसे करता था, जैसे एक ये गई है ना लड़की, एक इसने बच्चों को भी एक खिलाया और उनके साथ भी, तो भाई बहुत कॉन्फिडेंस है इसमें लड़की में, वो उस बंदे में बहुत कॉन्फिडेंस था। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि एक जो है ना वो बहुत बड़ा रिस्क भी है, लेकिन थोड़ा सा ये रिस्क का करके कोई कुछ भी नहीं बोलता। हाँ ड्रेसिंग का काफी एक फायदा हो जाता है, लेकिन फिर भी वही बड़ी एक एहतियात, बाज दफा ऐसा होता है जिस तरह आप लास्ट ये जो शादी थी इसमें उन्होंने एक गिन के लोग बुलाए हुए थे, मतलब थोड़े से थे, और साथ ही बार बार सिक्योरिटी भी उन्होंने लगाई हुई थी, तो इस तरह की चीज यहाँ पे भी बंदा पकड़ा तो जा सकता है। लेकिन ये कि भाई उन्होंने एक सही काम किया था, एक ड्रेसिंग अच्छी प्लस एक गिफ्ट लेके जाना, चाहे उस डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन ये कि खाना भाई उन्होंने हर तरह का खाया, और एक खाने के ये मैर है, और हाँ खाना को जो है ना वो खाना नहीं छोड़ते जो मर्जी हो जाए। लेकिन ये कि भाई एक जो एंड के ऊपर अच्छा काम करते थे ना, जाके दूल्हे को बता देते थे कि हम भी बिन बुलाया थे, लेकिन मजा आया जब वो चचा ने बताया कि मैं भी बिन बुलाया हूँ, पूरी फैमिली का मेरे साथ दोस्त, मेरे साथ पूरी फैमिली आई। अच्छा वो क्लिप बहुत वायरल हुआ था इंस्टा पर, शायद आपने भी देखा वो क्लिप। नहीं वो बहुत वायरल हुआ, वो एक लड़का कमेंट भी कर रहा है भाई उस पर के कौन कौन इंस्टा पर ये क्लिप देकर आया, वो चाचे का, वो बहुत इनका एक वायरल हुआ था, लेकिन बहुत अच्छी थी यार एक वीडियो बंदा, लेकिन कॉन्फिडेंस था बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, ये चीजें लगती थोड़ा नर्वस हो जाती थी बाज दफा, लेकिन फिर भी भाई एक अच्छा व्लॉग उन्होंने यार एक, वो भी बात सही है, लेकिन एक ना बंदे को एक महीने में एक शादी आ जाए और बंदा टिका कर खा ले तो अगले दो महीने आपके ना आसानी से गुजर जाते हैं, इनको तो भाई तीन शादियां आई हैं, इनके तो 6 महीने अच्छे से। बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।